आप कभी शांति पूर्वक एक कमरे में बैठ के देखना, सोचना कि आपने जो 3 दिन पहले कम से कम 10 घंटे तक टेंशन ली थी, आपने उसके अंदर हासिल क्या किया, आपने समाधान क्या निकाला? कुछ नहीं निकल पाया सर। इसलिए उस बात को भूल के कुछ आगे बढ़ो, कुछ कुछ अच्छा करो, अलग करो। यही सोच लिया उसी दिन से कि अब टेंशन नहीं लेना। टेंशन लेकर आप पूरी बॉडी में कम से कम 20 तरह की बीमारियां पाल लेते हैं, उससे बच जाओ, दवाइयों से बच जाओ, सिर्फ भाई के लिए काम कर दो, कुछ अलग कुछ अच्छा काम करो, कुछ कॉमेडी वीडियोस देखो, मस्त गेम खेलो, सब भूल जाओगे। कैसे हो? बहुत बढ़िया। क्या बेच रहे हो? कैंडी, पापड़। कैंडी और पापड़। हाँ। कितना सामान बेच लिया आपने अभी तक? 250 रुपये। 250 रुपये का बेच लिया। कितने घंटे मेहनत करते हो? 12 बजे आया। और दोपहर को 12 बजे आए। हाँ। रात को 12 बजे जाएंगे। 12 से 12। 250 रुपये कमाए। देखो इधर भगवान जो दे देंगे। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे को वहाँ चेन्नई है, ये पंजाब है। चेन्नई और पंजाब में क्या करते दोनों बच्चे? सब में मजदूरी करते हैं। हाँ। पढ़ाई नहीं कराई बच्चों को? उतना औकात नहीं होता, पैसे नहीं थे। खिलाना जिलाना मुश्किल हो गया। हम्म। खिलाना जिलाना मुश्किल हो गया तो उनको सयान कर दिए किसी तरह से। अच्छा। हाँ। अपने अपना सेट हो गए वो। क्या कहाँ रहते हो आप? ये आरा कासा रोड पार। अच्छा, अकेले रहते हो? मैं दो पब्लिक रहते हैं। दो आदमी हो। अच्छा अच्छा, ये सामान कहाँ से लाते हो अंकल आप? मैं भी करते हैं। अच्छा, ये पापड़ कितने इसके अंदर? 1, 2, 3, 4 है पैकेट के अंदर। ये कितने का देते हो आप? 20 रुपये का। अब से सिर्फ मतलब सुबह से लेकर अब तक ये तो पूरा भरा हुआ, मतलब ऐसा लग रहा है बिक्री नहीं हुई। तो महीने का कितना कमाते हैं? 5-6 हज़ार। 5-6 हज़ार रुपये बस। उम्र कितनी है आपकी अंकल? 49 साल। पर ये कहाँ से आते हो अंकल आप? ये तो ये कनॉट प्लेस में ले जाते हैं। कनॉट प्लेस से? टोटल कितने पैकेट होंगे अंकल आपके पास? ये टोटल और तो खुला है। हाँ जी, 30-35 पैकेट हो गए। सारा सामान दे दो मेरे को आप, कितनी खुशी मिलेगी? बहुत खुशी मिलेगी। पक्का? हम समझेंगे कि भगवान ने। मिल गए। क्या समझेंगे आप? कि भगवान मिल गए। भगवान तो ऊपर वाला एक ही है जिसके चलते हम जिंदगी जी रहे हैं। पर ये बोलोगे एक प्यारा अच्छा दोस्त मिल गया, और ये एक तरीके से भगवान ने भेजा मेरे को। भगवान आपके मन में समा गए। मैं सामने गाड़ी लगा रहा था। हाँ। आप सामने से जा रहे थे। हाँ। और मैं गाड़ी यहाँ ना लगा रहा होता, कहीं और लगा रहा होता तो हमें कहाँ से दिखते? आपको नहीं दिखता मैं तो। भगवान आपके मन में और दिल में समा गए। हाँ। इसलिए आपने अपने लड़के को भेज कर बुलवाया। हाँ। मैंने ध्यान भी नहीं किया आपका। पूरी सृष्टि भगवान चला रहे हैं। कब क्या होना है, किसने क्या करना है, किसने क्या खोना है, किसने क्या पाना है, कुछ उनके हाथ में है, सारी एंट्री हो रही है ऊपर। वही कहते हैं कि तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें पाना है, खोना है, सब कुछ एक दूसरे रूप में करवाते हैं। हाँ जी हाँ जी, दूसरे रूप में। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, दूसरे के रूप में वो काम करवाते हैं। हाँ, सब कुछ बस दिखते नहीं है लेकिन काम सारे करवाते हैं। सारे काम अच्छा बुरा हो बस 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 बस। कितना मानते हैं भगवान को आप? 100%। क्या कुछ कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कभी बहुत परेशान थे भगवान ने तो अचानक से कुछ ऐसा काम कराओ आपको चलो परेशानी खत्म हो गई? बहुत दिया। क्या दिया? मैंने बाबा बैजनाथ 5 साल गया। है जी? बाबा बैजनाथ। हाँ जी। 5 साल कांवड़ लेकर गया। आप कांवड़ लेकर गए? अच्छा। बीच में हम बहुत आगे हो गए थे। परेशान हो गए थे? नहीं, पहले परेशान थे जब वहाँ आने जाने लगे। अच्छा, पहले परेशान थे जब भगवान के दर पे जाने लगे तो हमें बहुत खुशी मिली और पूरे परिवार खुशी नामस रहने लगे। अच्छा। किसी चीज़ का कमी हुई मतलब कमी महसूस नहीं हुई। ज़्यादा परेशान नहीं हुए मतलब ज़्यादा परेशान नहीं हुए। ठीक है। सोचा मत करो बस आप। अब मेरे को सामान कितना दे रहे हो? ले लीजिए। मेरे को 500 रुपये का सामान दे दो आप। ले लीजिए सर। लो ये सारा सामान रख लूँ मैं अपने पास। चलो एक काम करता हूँ, मैं आपकी खुशी के लिए सिर्फ 1 पैकेट रखता हूँ। ठीक है, ये तोहफा है आपके लिए। खुश रहना, मस्त रहना। ठीक है सर। अरे नहीं अंकल जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, बड़े हो आप। कोई भी आपदा आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, टेंशन कभी नहीं लेनी आपने।
मस्त रहना, अभी तक जिंदगी आपने बिताई ना। कभी कभी टेंशन हो जाती है ना, पारिवारिक समस्या जब देखता हूं बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूं, हर इंसान को हो जाती है, लेकिन टेंशन लेकर आज तक किसी ने क्या हासिल किया मेरे को बता दो आप। कुछ नहीं। आपके 10 दोस्त होंगे टेंशन में रहते होंगे बहुत भयंकर, उनको टेंशन लेके हासिल किया मेरे को इतना बताओ बस आप। और परेशान हो गए ना, बस बात खत्म हो गई। मस्त रहो, बिंदास रहो, बोल जाओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, समय चलता रहेगा। अरे बार ऐसा हुआ जी, मैं कुछ कर्ज हो गया। अच्छा जी। तो दिमाग को उन्होंने बैठा लिया जी, एक हमारा दोस्त हमसे बात करने लगा, हमने अपनी स्थिति पूरी तरह से उससे बताने लगा। ठीक है जी। एक घंटा बात की है 10 से 11 बजे तक। अच्छा जी। लेडी हार्डिंग से लेकर अर्थाश्रम तक। ठीक है। अब गए कमरे, गए क्वार्टर पे, गए खाना खाए, सोए। 2 बजे मुझे पेशाब लगा, पेशाब करने गया कैसे चक्कर आ रहा है दोस्त को आपके, हमें। अच्छा, आपको चक्कर आने लग गए, इतना लोड हो गया दिमाग, टेंशन हो गई, टेंशन हो गया कि चक्कर आने लगा, उल्टी होने लगा। अच्छा। दस्त होने लगे, सब कुछ होने लगा। ऐसे कैसे? टेंशन में, टेंशन के चक्कर में। बस कहने का मतलब टेंशन में आपने 10 गुना बीमारी पार ली। पार ली, तब से कुछ हासिल नहीं हुआ ना। नहीं, फिर सोच लिया कि अब टेंशन नहीं लेना, चाहे आगे पीछे जिसका की बाकी है देंगे किसी तरह, मेहनत मजदूरी करते। अब ये बताओ मेरी जनता को, टेंशन लेकर किसी को कुछ हासिल हुआ है? टेंशन लेने चाहिए जनता को, बताओ मेरी आप। नहीं, टेंशन लेने से टेंशन ही बढ़ता है, उससे कुछ हासिल नहीं, हासिल नहीं होता। आप कभी शांतिपूर्वक एक कमरे में बैठ के देखना, सोचना कि आपने जो 3 दिन पहले कम से कम 10 घंटे तक टेंशन ली थी, आपने उसके अंदर हासिल क्या किया, आपने समाधान क्या निकाला? कुछ नहीं निकल पाया सर। इसलिए उस बात को भूल के कुछ आगे बढ़ो, कुछ कुछ अच्छा करो, अलग करो। ये सोच लिया उसी दिन से कि अब टेंशन नहीं लेना है। बस बस खाली जो अपना समस्या अपने अंदर रखो। बस 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 किसी से कहे भी नहीं। टेंशन लेकर आप पूरी बॉडी में कम से कम 20 तरह की बीमारियां पाल लेते हैं। उससे बच जाओ, दवाइयों से बच जाओ, सिर्फ भाई के लिए काम कर दो, कुछ अलग कुछ अच्छा काम करो, कुछ कॉमेडी वीडियोस देखो, मस्त गेम खेलो, सब भूल जाओगे। वीडियो को दबा के शेयर करना। थैंक यू सो मच। ठीक है अंकल जी, खुश रहो, मस्त रहो। ओके, नंबर दे देते सर। हाँ नंबर ले लो मेरा, कभी कोई परेशानी हो तो याद करना। इसे भी सेट कर दे। लो अंकल जी।